हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर ग्लोबल पॉलिटिक्स का असाइनमेंट। ओके, और इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उठाया दैट इज डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है और उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को भी डिस्क्राइब किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैंने ग्लोबलाइजेशन डिफाइन किया है। जैसे कैसे किया है वो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दी और फिर बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिए। यहाँ तक इसके अंदर है। नेक्स्ट इज, अब उन्होंने पूछा है आपसे डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए इधर आ जाओ। यहाँ से आपको नोट करना शुरू करना है इकोनॉमिक डायमेंशन के ऊपर। इकोनॉमिक डायमेंशन को डिस्क्राइब करोगे, डिस्क्राइब करने के बाद पूरा ये पूरा आपका इकोनॉमिक डायमेंशन से रिलेटेड है। ओके, तो इसको आप डिस्क्राइब करोगे, पूरा लिखोगे इकोनॉमिक डायमेंशन के बाद, फिर उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशन, और पॉलिटिकल डायमेंशन पूरा जस्टिफाई करोगे क्या है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। एंड देन फिर यहाँ से लिखने के बाद उसको आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, जो ये वाला पोर्शन था इसको यहाँ से कंटिन्यू करोगे और ग्लोबल पॉलिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो थर्ड डायमेंशन इसमें डिस्क्राइब है दैट इज़ कल्चरल डायमेंशन, और कल्चरल डायमेंशन को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। तो इतना ही आपका रेलिवेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग अपने क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ उसके बाद ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब किया है इसका डिफरेंशिएशन, एक ओवरव्यू दिया है कि जो मेन डिफरेंस है वो क्या है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। ओके, तो इसको डिस्क्राइब किया है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, क्या इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो बताया है, वर्ल्ड बैंक के बारे में अच्छे से, और इसका कंटेंट थोड़ा लेंदी करने के लिए कहीं शॉर्टेज ना हो, जिसकी वजह से मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड किए हैं दोनों के, वर्ल्ड बैंक के भी ऑब्जेक्टिव्स ऐड किए हैं और आईएमएफ के भी ऑब्जेक्टिव्स ऐड किए हैं। तो होपफुली आप लोगों को कंटेंट फुल्ली मिल चुका होगा इसका। ओके, और जो भी बच्चे परेशान थे इससे रिलेटेड उनका डाउट सॉल्व हो गया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो कि आप लोग सेटिस्फाइड हो नहीं हो। ओके, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।